कुछ प्रमुख दृष्टिकोण यह है कि पुरातन मानव आमतौर पर होमो हाइडलबर्गेंसिस को माना जाता है, जो स्वयं होमो इरेक्टस से विकसित हुआ। लगभग 20 लाख साल पहले पूर्वी या दक्षिणी अफ्रीका में धीरे धीरे होमो सेपियंस में विकास हुआ। ऊंची गोल खोपड़ी के आधुनिक मानव का पहला संकेत लगभग 2 लाख साल पहले इथियोपिया में दिखाई देता है। अफ्रीका के भीतर ही हम एक अलग प्रजाति नहीं थे, बल्कि अनेक प्रजातियां थी जो समय के साथ खत्म हो गई। उनका पुरातन प्रजातियों के साथ कुछ हद तक मिश्रण हुआ, लेकिन इसका विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों, ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़ी सभी घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।